हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेक्निकल सिस्टर इन्फू की इस नई वीडियो में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जिस बड़े टाकरे का सबको इंतज़ार था, यानी ये पाकिस्तान और भारत का मैच जो कि एशिया कप में आज खेला जाना है, और ये मैच जो है वो श्रीलंका में खेला जाना है। इस मैच के जो है टॉस का अख्ताम हो चुका है और टॉस का नतीजा बिलाखिर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, आज के इस मैच में जो कि पाकिस्तान और इंडिया का सबसे बड़ा मुकाबला है एशिया कप का, इस मैच में जो है इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस बड़े मुकाबले में इंडिया की टीम ने टॉस जीता है और टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। और जब पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से पूछा गया कि अगर आप टॉस जीते तो आप क्या फैसला करते, तो उनका भी यही जवाब था कि वो भी बैटिंग करते। तो अब देखना यह है कि इंडिया की टीम ने टॉस तो जीत लिया है, लेकिन मैच जीतने में वो कामयाब हो सकते हैं या पाकिस्तान आज के मैच में बाजी ले जाएगा। इंडिया की अगर प्लेइंग 11 की बात करते जाए तो इंडिया की तरफ से जो आज स्क्वाड में शामिल किए गए हैं वो हैं रोहित शर्मा, उसके बाद जो हैं शरियाज अय्यर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विराट कोहली, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, परिसाद कृष्णा और शरादुल ठाकुर। तो फ्रेंड्स, ये जो हैं वो आज के इंडिया के स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि आज के इसके मैच का नतीजा जो है वो क्या आने वाला है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है वो भी बहुत पूरी तरीके से जो है वो एक्साइटेड है और पूरी उम्मीद है आज का इस मैच को जीतने के लिए, और इंडिया वाले जो है वो भी जो है आज के इस मैच को जीतने के लिए पूरा जम दिखाई देते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी ऐसी वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ वीडियो को लाइक करना, अपने साथी के साथ शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस मैच की मजीद अपडेट्स के लिए हाजिर होते रहेंगे। तो जब तक के लिए अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।